Hello students, welcome to online botany classes. I am Dr. Manjulata Joshi, assistant professor in Government PG College, Uttarkashi. Students, आज हम plant pathology के lectures की series में blast disease of rice को study करेंगे, जो कि MSc 4th semester के seed pathology paper की unit 4 को belong करता है. So, let's start the lecture. आज के इस लेक्चर में हम ब्लास्ट डिजीज का इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ डिजीज, डैमेज कैपेसिटी ऑफ डिजीज, सिम्टम्स ऑफ डिजीज, इटियोलॉजी, डिजीज साइकिल, डिजीज मैनेजमेंट, इन सब चीज को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ राइस ब्लास्ट. जो राइस ब्लास्ट है उसकी हिस्ट्री हम देखते हैं. ये जो राइस ब्लास्ट था वो सबसे पहले जापान में 1704 पे रिकॉर्ड किया गया था. इंडिया में इसे बटलर ने देखा था, जो कि तंजौर डिस्ट्रिक्ट में मेनली जो इन्फेक्शन था तमिलनाडु में, 1913 में इन्होंने इसको स्टडी किया था बटलर ने. बाद में इसका जो इफेक्ट था वो कोस्टल एरिया और हिली ट्रैक्स ऑफ सब हिमालयन रेंज फ्रॉम कश्मीर टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यहाँ पर भी इसको देखा गया था. द कॉजल ऑर्गेनिज्म वॉज फर्स्ट डिटेक्टेड बाई कवेरा इन 1891 फ्रॉम इटली. तो इटली में सबसे पहले इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म था उसको डिटेक्ट किया गया था. मोर इफेक्टेड वराइटीज ऑफ राइस इज RR36 एंड RASI. तो ये जो ज़्यादा इस डिजीज से इन्फेक्टेड वराइटीज़ हैं वो दो हैं, RR36 और RASI वराइटी. टोटल डैमेज ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम द डिजीज जनरली 15-20%, बट जो SY पद्मनाभन थे उन्होंने बताया कि ये क्या है 75% तक भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है. नेक्स्ट इज सिम्टम्स. सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? मेन चीज़ है सिम्टम्स को पहचानना. जब आप सिम्टम्स को सिम्टम्स आपको मालूम होंगे तो ही आप इस डिजीज़ को फील्ड पे जाके आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो इसमें क्या होता है, इसका जो एयरी पार्ट होता है, जो हवा में जो पार्ट है वो सारा का सारा इन्फेक्टेड हो सकता है. रूट जो होती हैं वो अंडरग्राउंड होती हैं, इसलिए वो क्या होती हैं, इन्फेक्टेड नहीं होती हैं. और ये जो है नर्सरी स्मॉल स्टेज में अपेयर्ड हो जाता है. बोट शेप्ड वाटर शॉक्ड स्पॉट्स इसमें दिखाई देते हैं, जो कि क्या होते हैं, 5 मिलीमीटर लॉन्ग से ज़्यादा होते हैं. कॉर्नर स्पॉट जो होता है वो इसका डार्क ब्राउन रेड कलर का होता है. मिडिल में वाइट ग्रेश और एश कलर होता है. स्पॉट्स एनलार्ज एंड कोलैप्स. बाद में क्या होंगे, जब डिजीज इंक्रीज होती जाती है तो ये स्पॉट्स एनलार्ज हो जाते हैं और कोलैप्स हो जाते हैं. अभी आगे इसको हम पिक्चर में देखते हैं, डायग्राम में देखेंगे. नेक इन्फेक्शन, नेक रॉड फेस जो होती है वो मोस्ट डेंजरस फेज होती है, क्योंकि नेक में इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे क्या होता है, जो धान की बाली है वो पूरी की पूरी इन्फेक्टेड हो जाती, गिर जाती है, उसमें ग्रेन ही नहीं लग पाते हैं, ग्रेन नहीं होंगे तो फिर हमारी क्रॉप नहीं होती है. इसलिए ये क्या होता है, मोस्ट डेंजरस होता है. ब्लैक ग्रे माइसीलियम ऑन द नेक, नो ग्रेन फॉर्मेशन या पार्शियल फॉर्मेशन. जैसा कि मैंने आपको बताया, नेक इन्फेक्टेड हो जाता है तो इसमें ग्रेन का फॉर्मेशन नहीं होता है, और अगर लेटर स्टेज में इसमें डिजीज आती है तो पार्शियल फॉर्मेशन ग्रेन का इसमें होता है. तो ये कुछ सिम्टम्स थे. यहाँ पर हम पिक्चर्स में देख रहे हैं, ये इन्फेक्शन डिजीज के जो इन्फेक्शन है उसका पिक्चर लिया गया है. ये जो डिजीज़ होती है ये भी आपकी चार तरह की होती है. जैसे लीफ पे अलग सिम्टम दिखेगा इसका, कॉलर पे अलग सिम्टम दिखता है, नोडल रीजन पे अलग सिम्टम्स दिखते हैं और पैनिकल रीजन पे अलग सिम्टम दिखते हैं. तो इसी के बेस पे इनको लीफ ब्लास्ट, कॉलर ब्लास्ट, नोड ब्लास्ट और पैनिकल ब्लास्ट, इस तरह से इनको नाम दिया है. तो सबसे पहले हम लीफ ब्लास्ट को देखते हैं. लीफ ब्लास्ट में क्या होता है, देखिए इस तरह के क्या हो जाते हैं, स्पॉट्स जो होते हैं, स्पिंडल शेप्ड जो स्पॉट हैं वो बन जाते हैं. वाटर शोक्ड ब्लू ग्रीन स्पॉट्स ये स्टार्टिंग में दिखाई देते हैं, और फिर कॉर्नर पे इनका क्या होता है, जब स्टार्टिंग पोजीशन होती है तो कॉर्नर पे ये येलोइश दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में फिर क्या होता है, ये डिजीज़ बढ़ जब जाती है तो इसमें स्पिंडल शेप्ड का स्पॉट दिखाई देने लगता है, जो कि क्या होता है, सेंटर पे ग्रे कलर का होता है और कॉर्नर पे ब्राउन कलर का. यहाँ पे आप बहुत इजीली देख सकते हैं, ये जो सेंटर है यहाँ पे ग्रे कलर का है और कॉर्नर्स पे जो है वो डार्क ब्राउन कलर का है. तो ये क्या है, लीफ ब्लास्ट है. नेक्स्ट है कॉलर ब्लास्ट. कॉलर ब्लास्ट में क्या होता है, देखो जहाँ पर
जहाँ पर से बाली लगती है वहाँ पर दो लीफ होती हैं, तो यहाँ पर ही क्या होता है कॉलर ब्लास्ट में इन्फेक्शन होता है। और इसमें क्या होता है बेस ऑफ द फ्लैग लीफ कहते हैं इसको, क्या कहा जाता है फ्लैग लीफ कहा जाता है। तो इसके बेस में इन्फेक्शन कॉज हो जाता है। और ये जो लीफ है ये क्या है लीफ सीथ में होगा इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन प्रोसीड्स अपवर्ड टू द लीफ एंड डाउनवर्ड टू द शीट। लीफ के ऊपर की ओर इन्फेक्शन बढ़ता चला जाता है और नीचे की ओर, यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख रहे हैं ऊपर की ओर भी इन्फेक्शन हो रहा है और नीचे की ओर भी इन्फेक्शन हो रहा है। तो जिसके कारण फिर यहाँ पर अगर डैमेज हो जाता है तो क्या होगा लीफ में फिर जो बाली है वो नहीं लग पाती है, जिसके कारण फसल में क्या होता है बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, क्रॉप जो होती है वो प्रॉपर यील्ड नहीं दे पाती है। नेक्स्ट वन इज नोड ब्लास्ट। नोड ब्लास्ट या इसे कहा जाता है क्लम ब्लास्ट भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है देखो ये जो इररेगुलर टाइप के स्पॉट्स हैं यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये नोड पे होते हैं, इररेगुलर स्पॉट्स दिखाई देते हैं। और ये क्या होते हैं नोड, जहाँ पे नोड आप समझते हैं धान की बाली में होता है ना यहाँ पे गांठ जैसी बन जाती है, तो इस रीज़न पे इन्फेक्शन हो जाता है। और जब ये इन्फेक्शन हो जाएगा तो इससे क्या होता है जाइलम और फ्लोएम का क्या होता है ट्रांसलोकेशन जो होता है वो ब्लॉकेज हो जाता है, जिसके कारण पूरा का पूरा प्लांट क्या होने लगता है वो सूखने लगता है। तो इससे क्या होगा फसल पूरी की पूरी हमारी बर्बाद हो जाती है। तो अगला है इसमें पैनिकल ब्लास्ट कहते हैं। पैनिकल ब्लास्ट जो होता है वो सबसे ज़्यादा डैमेज होता है इसमें पैनिकल एरिया में क्या होगा, या इसको नेक ब्लास्ट भी कहा जाता है। नेक ब्लास्ट में क्या होता है ब्राउनिश कलर के स्पॉट देखने में आते हैं, और पैनिकल में जब यहाँ पर ब्लास्ट जहाँ पे बाली स्टार्ट होती है यहाँ पर इसका अटैक हो जाता है, जिसके कारण फिर क्या होगी बाली में जो है ग्रेन का फॉर्मेशन ही नहीं हो पाता है। ग्रेन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो फिर हमारी क्रॉप जो है वो बेकार है। तो इस तरह से क्या होगा बहुत ज़्यादा इसमें क्या होता है फसल को नुकसान हो जाता है। अगर ये अर्ली स्टेज में अटैक होता है, फसल के अर्ली स्टेज में अटैक हो जाता है तो ग्रेन का फॉर्मेशन ही नहीं होता, और अगर लेटर स्टेज में अटैक होता है तो फिर ग्रेन का फॉर्मेशन तो होता है लेकिन क्या है पार्शियली फॉर्मेशन होता है, तो वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद क्रॉप नहीं होती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर चार तरह का इसका इन्फेक्शन देखा, लीफ पर, कॉलर पे, नोड पे और पैनिकल पे इसका इन्फेक्शन हमने देखा। ये कुछ और पिक्चर्स हैं जिसमें आप इसके सिम्टम्स को देख सकते हैं। ये लीफ पे सिम्टम है और ये देखिए ये आपका लीफ पे सिम्टम है और ये पैनिकल पे सिम्टम है। तो इस तरह से ये इसके डायग्राम्स हैं जिनसे कि आपको बहुत आसानी होगी अगर फील्ड में आप जाते हैं कि इस डिज़ीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो ये डायग्राम्स आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। ये आपका नोडल रीजन पे इन्फेक्शन दिखा रहा है और ये फिर लीफ पे इन्फेक्शन दिखा रहा है। तो इस तरह से हमने इसके सिम्टम्स को यहाँ पे पिक्चर बाय पिक्चर भी स्टडी कर लिया और वैसे भी हमने इसको स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में पहले कॉजल ऑर्गेनिज्म हम देखते हैं। जो ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है पायरेकुलेरिया ओराइजी या फिर पायरेकुलेरिया ग्रेसिया। ये इसकी इम्परफेक्ट स्टेज होती है और परफेक्ट स्टेज जो होती है वो मैग्नोपार्थी ग्रेसिया होती है, जो कि क्या है सेक्सुअल फेज को शो करती है, और इम्परफेक्ट स्टेज जो है वो एसेक्सुअल फेज को शो करती है। सर्वाइव इन सीड एंड प्लांट रेजिड्यू, जो उसके कॉनिडिया होते हैं वो क्या होते हैं सीड में सर्वाइव रहते हैं या फिर प्लांट रेजिड्यू में सर्वाइव रहते हैं। इसी प्लांट रेजिड्यू से ये क्या होती है नेक्स्ट क्रॉप सीजन में फिर से ग्रो करने लग जाती है। माइसीलियम सर्वाइव इन पुआल, पुआल समझते हैं जो राइस का जब फसल कटाई के बाद जो रेजिड्यू रह जाता है दैट इज़ कॉल्ड पुआल। तो इसमें क्या है 1 से 2 ईयर्स तक भी ये डिजीज़ का जो कॉनिडिया है वो सर्वाइव कर सकता है। सर्वाइव ऑन वीट्स, ये कुछ वीट्स पे भी इसके स्पोर्स सर्वाइव करते हैं जैसे पैनिकम रेपेनिस है और डेजिटेरिया मार्जिनेटा, इन दो वीट्स पे भी इसके स्पोर्स जो होते हैं वो सर्वाइव कर लेते हैं। इसके लिए जो आरएच है रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 90% तक होती है और टेम्परेचर जो है वो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक फेवरेबल रहता है। नेक्स्ट है सिस्टेमिक पोजिशन, इसका किंगडम माइकोटा है, डिवीज़न यू माइकोटा और डिट्रोमाइकोटीना सब डिवीज़न है। हाइपोमाइसीट्स क्लास को ये बिलोंग करता है, ऑर्डर हाइपोमाइसीटेल्स और डेमिटिएसी जो है इसकी फैमिली है, जीनस पायरेकुलेरिया एंड स्पीसीज ग्रेसिया। तो इस तरह से ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट इज
रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, इसमें जो आपको सेक्सुअल और एसेक्सुअल फेज मैंने बताई उसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। कॉनिडिया होता है जो कि पेयर शेप्ड है, टू सेप्टा इसमें होते हैं, बाइसेप्टेड ये होता है, और दूसरा है क्लैमाइडोस्पोर्स। किसी किसी हमको बुक्स में ये भी मिला है कि स्क्लेरोटियम को भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में कहा गया है। नेक्स्ट थिंग है टॉक्सिन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, इस फॉर्म में पूछा जा सकता है कि जैसे पायरीकुलेरिन जो टॉक्सिन है वो किस पैथोजन से निकलता है, तो ये जो टॉक्सिन है वो इंपॉर्टेंट है। इस पैथोजन से जो है दो टॉक्सिन निकलते हैं, एक है पायरीकुलेरिन और दूसरा है पिकोलिनिक एसिड। ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, पायरीकुलेरिन एंड पायरीकुलेरिक एसिड, ठीक है, तो इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इसमें से एंजाइम है, एंजाइम जो है वो पैक्टिनोलाइटिक एंजाइम इसमें से निकलता है, तो ये इसका आपको इम्पॉर्टेंट जो डिस्क्रिप्शन है वो मैंने बता दिया, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इन्हें आप याद करिएगा। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज लाइफ साइकिल ऑफ डिजीज़, डिजीज़ की जो लाइफ साइकिल है वो किस तरह से चलती है ये हम इसमें देखते हैं। इसमें सबसे पहले इस पिक्चर में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, डायग्राम में यहाँ पर से स्टार्ट है। देखिए ये क्या है, स्पोर्स हैं, एयरबोर्न स्पोर्स हैं जो कि क्या है, हेल्दी प्लांट पे इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, एयरबोर्न स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया, इनको क्या कहते हैं, कोनिडिया कहते हैं। ये क्या करते हैं, राइस की लीफ पर लैंड करते हैं, उसके बाद इस पर क्या होता है, यहाँ पर जो लाइफ राइस की लीफ है इसमें क्या होगा, जो इन्फेक्शन है वो कॉज होता है, इन्फेक्शन कॉज करती है ये जो स्पोर्स हैं, एयरबॉर्न स्पोर्स कोनिडिया जो है वो राइस की लीफ की एपिडर्मिस को पेनिट्रेट करने के बाद फिर क्या करते हैं, धीरे धीरे इसमें इन्फेक्शन कॉज करते हैं। द स्पोर्स जर्मिनेट एंड द फंगल पेनिट्रेट द लीफ सरफेस और एंटर द लीफ थ्रू द स्टोमेटा, तो कहाँ से ये लीफ के अंदर जाते हैं, या तो इसकी सरफेस से, एपिडर्मिस से, या फिर स्टोमेटा के थ्रू ये क्या करते हैं, लीफ के अंदर इंसर्ट करते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, फिर इन्फेक्शन कॉज करते हैं। द फंगस ग्रोज एंड प्रोड्यूस लीफ स्पॉट्स आफ्टर 4 to 5 days, इसमें क्या होगा, 4 to 5 days के बाद इसमें इन्फेक्शन के सिम्टम्स जो होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं। द स्पोर्स आर रिलीज्ड बाय ड्यू और रेन एंड आर कैरीड इनटू द एयर टू अदर प्लांट्स, फिर क्या होता है, नाइट टाइम पे अक्सर जो इसके कोनिडिया हैं वो सॉइल पे कब गिरते हैं, नाइट टाइम पे गिरते हैं, जबकि क्या है, ड्यू होता है, ड्यू होती है या फिर रेन के कारण, बारिश के कारण क्या होंगे, सीड जो होते हैं वो ज़मीन में गिर जाते हैं, जिसके साथ ही स्पोर्स भी गिर जाते हैं, और फिर ये स्पोर्स क्या करते हैं, और भी ज़्यादा स्पोर्स का प्रोडक्शन करते हैं, जिससे कि फिर ये क्या होते हैं, धीरे धीरे हवा में फैल जाते हैं, हवा में फैलने के साथ ही ये क्या करते हैं, हेल्दी जो प्लांट्स हैं उनको भी क्या करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो इस तरह से इसका डिजीज साइकिल था। इसमें दो तरह की फेजेस होती हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल फेज होती है। जो एसेक्सुअल फेज होती है, इम्परफेक्ट फेज होती है, इसमें क्या होता है, माइसीलियम जो होता है वो सेप्टेट, हाइलाइन और ब्रांच जो होता है, जो उसके कोनिडियोफोर्स होते हैं वो सेप्टेट हैं, ग्रेइश इन कलर हैं, सिंपल या फिर रियली ब्रांच्ड होते हैं। कोनिडिया जो होते हैं जनरली टू सेल्ड या पायरी फॉर्म्ड इनको कहा जाता है, और क्या होते हैं, ये टर्मिनली बॉर्न होते हैं। तो इसमें कोनिडियोफोर्स पहले बनते हैं, उनसे क्या होते हैं, कोनिडिया बनते हैं, तो कोनिडिया फिर क्या करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। और जो सेक्सुअल स्टेज है, सेक्सुअल स्टेज में फ्रूटिंग बॉडी को क्या कहा जाता है, पैरीथीशिया कहा जाता है। ये भी याद रखने की चीज़ है कि सेक्सुअल स्टेज में जो फ्रूटिंग बॉडी है उसको क्या कहा जाता है, पैरीथीशिया कहा जाता है। पैरीथीशिया में एसआई का फॉर्मेशन होता है, और इस एसआई के अंदर क्या होते हैं, एस्कोस्पोर्स बनते हैं, जो कि क्या होते हैं, सेप्टेट होते हैं, और यही एस्कोस्पोर्स फिर क्या करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो इस तरह से इसका क्या है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल जो होता है लाइफ साइकिल होता है। और यहाँ पे डायग्राम में भी आपको दिखाया गया है, कोनिडियोफोर है, कोनिडियोफोर इससे कोनिडियम निकलते हैं, कोनिडियम में फिर क्या होता है, जर्म ट्यूब का डेवलपमेंट होता है, जिसके द्वारा ये क्या करता है, सेल की सेल वॉल को पेनिट्रेट करके इसके अंदर इन्फेक्शन कॉज कर देता है इस तरह से, और पूरा का पूरा फिर क्या करता है, अपने सिम्टम्स को शो करता है, जैसे कि लीफ पे करेगा या नेक पे करेगा या फिर बाली पे करेगा, जिस भी तरह से वो इन्फेक्शन कॉज करता है उसके सिम्टम्स फिर इसके बाद 4 to 5 days के बाद शो हो जाते हैं। नेक्स्ट एन इम्पॉर्टेंट थिंग इज मैनेजमेंट ऑफ डिजीज़,
डिजीज का मैनेजमेंट कैसे किया जाना चाहिए, सबसे पहली बात तो यूज हेल्दी सीड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, इसका प्रिकॉशन भी है कि हमें हेल्दी सीड्स को यूज करना है, जिससे कि डिजीज इन्फेक्शन का चांसेस बहुत ही कम हो जाए या खत्म हो जाए। नेक्स्ट इज सीड ट्रीटमेंट, इसमें केमिकल ट्रीटमेंट है, ट्राइकोक्लाइजोल या फिर बीम जो है वो 75 WM WP एट द रेट ऑफ 4 g/kg सीड्स के अकॉर्डिंग हमने केमिकल ट्रीटमेंट देना है। इसके द्वारा भी क्या हो जाता है, डिजीज़ का मैनेजमेंट हो जाता है। रिमूवल ऑफ वीड्स, ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वीड में भी क्या रहते हैं, इसके स्पोर्स रहते हैं जो कि 1 से 2 साल तक सर्वाइव कर सकते हैं, इसलिए ये ज़रूरी है कि क्रॉप को शो करने से पहले हमने क्या करना है, फील्ड में से वीड्स को रिमूव कर देना है। यूज़ बैलेंस फर्टिलाइजर्स, नो हैवी यूज़ ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा इसमें इस्तेमाल नहीं करना है फील्ड में, क्योंकि नाइट्रोजन का इस्तेमाल करने से भी डिजीज़ के जो स्पोर्स हैं वो सर्वाइव करते हैं। स्प्रे करना है बीम का एट द रेट ऑफ 6 g/L या फिर बेवस्टीन का 0.1%। इसका क्या करना है, फर्स्ट स्प्रे जो होता है वो टेलरिंग स्टेज में करना है और सेकंड स्प्रे जो होता है वो फ्लावरिंग स्टेज में करना है, या फिर क्वांटेफ जो है उसका 0.2% सॉल्यूशन का स्प्रे करना है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिजीज़ को मैनेज कर सकते हैं, डिजीज़ को अपने फील्ड पर आने से रोक सकते हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम क्या करें, डिजीज़ रेसिस्टेंट वराइटीज़ को यूज़ करें। इसमें IR64 है, पंतधान 16 है, पंतधान संकर 1 है। तो इस तरह से ये कुछ रेसिस्टेंट वराइटीज़ हैं जिनको यूज़ करने से हमारे जो फील्ड है उस पर, उसकी क्रॉप पे इन्फेक्शन नहीं कॉज होता। तो आज हमने ब्लास्ट डिजीज़ ऑफ राइस को स्टडी किया, उसके कॉजल ऑर्गेनिज्म, उसके सिम्टम्स, ये सारी चीज़ों को हमने स्टडी किया है। आई होप कि ब्लास्ट डिजीज़ ऑफ राइस को समझने में ये लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल।